खबर हनुमानगढ़ से है, जहां टीबी क्षेत्र के डबली खुर्द की लुणावली ढाणी के पास इंदिरा गांधी नहर की बुजरी डी 20 के पंपिंग स्टेशन के सामने ग्रामीणों का धरना शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहा। किसान नेता रवि खद्दा ने बताया है कि धरना स्थल पर भारतीय किसान संघ संभाग उपाध्यक्ष इंद्रजीत धारणिया, जिला उपाध्यक्ष जगदेव सिंह, खोसा तहसील उपाध्यक्ष विनोद गोदारा, मनोहर लाल धारणिया, राष्ट्रीय जाट ने वीर सेना अध्यक्ष सुरेंद्र खदा एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष गुलाब सिंह मौके पर पहुंचे और सेम व बरसाती पानी की निकासी की मांग को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग को बंद पड़े सभी पंपिंग स्टेशनों को तत्काल शुरू किया जाए। बरसात के बाद सेम प्रभावित गांवों डबली खुर्द, डबली कला और लूणी वाली ढाणी में खेतों में खड़ी नरमा, कपास, गवार आदि फसलों को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन को विशेष टीम गठित कर नुकसान का सर्वे करवाकर नुकसान की भरपाई मुआवजा दिए जाने की मांग की है। गुलाब सिंह ने समस्या के समाधान के लिए जिला कलेक्टर व जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर समस्या के समाधान करवाने का आश्वासन किया। नेता रवि खदा ने बताया कि लुणावा ढाणी में बाई वदाई तरफ चार पंप व एक डबली कला में पंपिंग स्टेशन लगा हुआ है, लेकिन फिलहाल लाखों की लागत से लगाए गए सभी पंपिंग स्टेशन बंद पड़े हैं, जिससे सेम व बरसाती पानी की निकासी नहीं हो रही। ग्रामीणों में इस बात को लेकर रोष है कि प्रशासन व जनप्रतिनिधियों की ओर इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ये चार गांव पिछले 40 साल से सेम से पीड़ित है और अति वर्षा होने के कारण यहाँ जल भराव बहुत काफी ज्यादा मात्रा में हो गया है, जिससे हमारे मकानों व हमारी फसलें सब बर्बाद हो रही है और किसी ने आज तक सुनवाई नहीं की है। इसी मांग को मनवाने के लिए हम धरने पे बैठे हैं किसान, और अभी तक हमारे पास कोई अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि आज तक हमारे पास नहीं आया और हमारी ये समस्या जो की त्यों है। और हमारे सभी जो पंप है वो सभी पंप हमारे बंद पड़े हैं। पंप हमारे लगे हुए जी, चार पंप है जिसमें तीन प्राइवेट है गाँव के और एक सरकारी है। एक गांव का चल रहा है, वो हमारे गांव वालों चलाया हुआ, सरकार का भी कोई सहयोग नहीं है यहाँ पे। और एक डबड़ी कला में पड़ा है, वो भी बंद पड़ा है। तो अधिकारियों ने आगे कोई बातचीत की है कभी? अधिकारियों ने आगे कोई बातचीत नहीं की है जी। एक दो 5-7 दिन पहले हमारे आए थे, विधायक जी भी आए थे और SDM साहब भी आए थे और नायब तहसीलदार जी आए थे, आश्वासन देकर चले गए, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए मजबूरी में लोगों को फिर धरने का फैसला लेना पड़ा और धरने पे बैठे। कितने गांव के लोग प्रभावित है? चार गांव है जी, मसीता वाली, डबली खुर्द, डबली कला और दूना वाली ढाणी। हमारी मांग इन पंपों को सरकार अपने स्तर पे चलाए, सरकार बिल भरे, सरकार अपने आदमी रखे और हमारी